हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपके अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रबड़ उत्पादक देशों के वितरण का वर्णन करते हुए उनके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों को इंगित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको रबड़ उत्पादक देशों के वितरण के बारे में चर्चा करनी है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि जो रबड़ उत्पादक देश हैं वे कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दों का सामना कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो प्राकृतिक रबर होती है वह आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो कि एक कार्बनिक यौगिक होता है। साथ ही रबर एक सुसंगत लोचदार ठोस पदार्थ है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष जो होते हैं उसके लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, और इन्हीं वृक्षों में हेविया ब्रासिलिएंसिस सबसे महत्वपूर्ण पौधा है। इसके साथ ही रबर के पेड़ों के रोपण के बाद लगभग 32 वर्षों तक यह आर्थिक लाभ प्रदान करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम रबर उत्पादक देशों के वितरण के बारे में बात करें तो इसमें थाईलैंड टॉप पर है, जिसने वर्ष 2020 में वैश्विक प्राकृतिक रबर का लगभग 35% का निर्माण किया, और इसके बाद इंडोनेशिया का स्थान आता है। इसके साथ ही अगर हम रबर के पौधे के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु रबर के पौधों के लिए उपयुक्त होती है, और इसको कम से कम 100 वर्षा वाले दिनों की आवश्यकता होती है, और इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वह 20 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इसके साथ ही रबड़ के पौधे के अंतर्गत सर्वोत्तम परिणाम के लिए लगभग 80% आर्द्रता, 2000 घंटे की धूप और तेज हवा की अनुपस्थिति इसके अंतर्गत होनी चाहिए। साथ ही अगर हम बात करें प्राकृतिक रबर की तो ये अमेजन बेसिन का मूल पौधा है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति का जो 90% है वह एशिया से होता है, और इसमें से भी अगर हम बात करें तो जो आसियान कंट्रीज हैं तो उसमें से मुख्य रूप से थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया से इसका उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में जैसे कि आइवरी कोस्ट, ब्राजील, मैक्सिको, गैबोन, गिनी, इक्वाडोर और श्रीलंका में भी रबर का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद इसमें आप एक छोटा सा वर्ल्ड मैप बना सकते हैं, जिसमें आप प्रमुख रबर उत्पादक देशों की लोकेशन इसके अंतर्गत दर्शा सकते हैं, जो कि आपका वैल्यू एडिशन करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रबर उत्पादक देशों के समक्ष पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों की। इसमें अगर हम बात करें रबड़ की खेती से मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश अपने प्राकृतिक वन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके कारण खो चुके हैं। साथ ही रबड़ की खेती जैव विविधता की विलुप्ति की ओर ले जाती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति जैसे कि ओरेंगटोन की आबादी इसके कारण कम हुई है। साथ ही साथ इससे खाद्यान्न फसलों की खेती को इसको नुकसान पहुंचता है, और ऐसे में हमें SDG को प्राप्त करने की संभावना है वह इसके कारण कम हो जाती है। इसके साथ ही जो स्थायी फसल पैटर्न होता है वह मृदा की उत्पादन क्षमता को कम कर देता है, और सिंथेटिक उर्वरक के उपयोग से जो मिट्टी होती है वह अनुर्वर हो जाती है। साथ ही रबड़ के जो पौधे होते हैं उसकी रोपण की जो अवधि होती है काफी लंबी होती है, जो इसे कीटों और अन्य जलवायु प्रेरित रोगों के लिए संवेदनशील बनाती है, जो छोटे फसलों धारकों के हित में एक तरीके से बाधा डालती है, जो कि अर्थव्यवस्था पर ओवरऑल रूप से नकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही जो रबर उत्पादन है वह विभिन्न प्रदूषकों जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का स्रोत होता है। इसमें जो भूमि समाशोधन होता है जैसे कि मलेशिया में, तो इसमें रबड़ के पेड़ों के डंठलों को बड़ी मात्रा में खुले में जलाया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैस का जो उत्पादन है वह इसके अंतर्गत बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रति किलोग्राम शुष्क रबड़ से लगभग 8 किलोग्राम अपशिष्ट का उत्पन्न होता है। इसके कारण प्राकृतिक क्षरण से भारी मात्रा में CO2 और मीथेन का इसमें उत्सर्जन होता है, और इसके उत्सर्जन से विभिन्न बीमारियां और मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो रबर उद्योग है वह प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों में से एक है। ये रबर उत्पादक देशों में पानी की कमी की समस्या को बढ़ा देता है। तो ये हमने बात की जो रबर उत्पादक देश हैं उसके समक्ष कौन कौन से पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे विद्यमान है। इसके बाद अगर इस क्वेश्चन के हम निष्कर्ष के बारे में बात करें तो औद्योगिक विस्तार के कारण रबड़ की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें रबड़ की सतत कृषि ही एकमात्र उपाय दिखाई देता है। इसके साथ ही हमें आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ जो स्थानीय और वैश्विक ज्ञान है उसका संश्लेषण करना चाहिए, जो कि उद्योग में शामिल हितधारक हैं उनके हित में हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया GS पेपर 1 के ज्योग्राफी खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।